खबर अमेठी जनपद से आ रही है। जनपद के शुक्ल बाजार क्षेत्र में जहां केंद्रीय मंत्री भारत सरकार एवं अमेठी सांसद स्मृति जुबिन ईरानी ने इन्होना शुक्ल बाजार इंदौली संपर्क मार्ग का भूमि पूजन किया। विकास से प्रभावित होकर क्षेत्र के हजारों लोगों ने विभिन्न दलों को छोड़कर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ली, जिसमें समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने भी भारतीय जनता पार्टी और अमेठी सांसद स्मृति ईरानी के विकास कार्य से प्रभावित होकर भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण की। इस दौरान जगदीशपुर विधायक सुरेश पासी एवं सांसद प्रतिनिधि विजय गुप्ता सहित पार्टी पदाधिकारी, कार्यकर्ता एवं हजारों की संख्या में लोग उपस्थित रहे। अमेठी सांसद ने मंच से संबोधित करते हुए कहा कि अमेठी की जनता ने नामदारों को नकार दिया है, अब अमेठी में सिर्फ कामदार की ही जरूरत है। उन्होंने आगे कहा कि अमेठी में राम मंदिर के निर्माण के साथ ही साथ गरीबों को मिल रहे निःशुल्क राशन और क्षेत्र के विकास से अमेठी की जनता गांधी परिवार को भूल चुकी है। वहीं विकास से प्रभावित होकर विभिन्न दलों के लोगों का भारतीय जनता पार्टी में विश्वास बढ़ रहा है। हजारों की तादाद में लोग भारतीय जनता पार्टी की सदस्यता ग्रहण कर रहे हैं। इंडिया 24 उत्सव आईपीवी के लिए अमेठी जनपद से संवाददाता सुशील कुमार मिश्र की रिपोर्ट। वैसे तो मैंने विधायक जी से कहा था कि मेरा भाषण ना रखें, आज आपका दिन है और आज हरकेश का दिन। सुरेश पासी और हरकेश का एक मंच पर एक साथ होना इस बात का संदेश है कि जो इच्छुक हैं कि अमेठी लोकसभा क्षेत्र में विकास हो, वो बिना किसी मनभेद के, बिना किसी आक्रोश के अगर एक हो जाए तो हर घर तक विकास पहुंचाना संभव है। मैं आज कोई विस्तृत भाषण नहीं देना चाहती, क्योंकि भरत मिलाप देखने को मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ है। लेकिन सुरेश, तुम्हें और हरकेश को साथ मंच पर देखकर देखो जनता भी कैसे मुस्कुराई है। तुम दोनों नेताओं के संदर्भ में कहो कि जनता की यही अपेक्षा है हमसे कि हम जनता के चुनौतियों में समाधान के स्वरूप में उनका साथ दें। अमेठी ने एक वक्त देखा है जब जो यहाँ से चुनकर जाते थे, अगर उनसे पूछ लो कि नाली और नाले का फर्क क्या है तो वो नहीं बताता। अमेठी में एक कालखंड ऐसा भी रहा जब सांसद सिर्फ 5 साल में एक बार नजर आता। अमेठी ने ऐसा समय भी देखा जब सांसद से मिलने अगर आप उसके दिल्ली वाले घर जाएं तो पता चलता कि वो सांसद या तो विदेश में है या घर में घुसने की अनुमति नहीं। आज मैं भले ही दीदी बनकर आई, लेकिन आप सबने ये इच्छा मेरे सम्मुख प्रस्तुत की कि दीदी आपको हमारे मध्य में घर बनाकर रहना है। और आज मेरा सौभाग्य है कि जब दिल्ली में, बंबई में, विदेश में कोई पूछता है कि घर जा रही हो स्मृति, मैं कहती हूँ हाँ अमेठी जा रही हूँ। और जब लोग परिवार बन जाते हैं तब परिवार की छोटी से छोटी समस्या में, छोटे से छोटे दुख में, छोटे से छोटी बात में उनके संग रहना एक पारिवारिक स्वभाव बन जाता है।